टू द कपिल शर्मा शो। पहले एक बात बताओ, ऐसा मैंने सुना है कि भूत अगर आदमी के पीछे पड़ जाए तो आदमी उल्टे पैर भागता है, ऐसा सही है कि अफवाह है? देखो, अगर भूत हो तो नहीं, अगर भूतनी हो तो फिर पक्का। और अगर भूतनी कोई खूबसूरत हीरोइन हो तो मैं रुका रहूंगा भाई। तो आज हम एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन को यहां पे इनवाइट कर रहे हैं जो एक फिल्म में भूतनी का किरदार निभा रही है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा। हेलो। हाय कपिल, सो गुड टू बी ऑन द शो अगेन यार। बट वेयर आर यू अनुष्का? कपिल, ये ब्लू इज लुकिंग वेरी गुड ऑन यू, दिस ब्लू टी शर्ट एंड व्हाइट जीन्स, सही लग रहा है आज। ओके, तो कैन यू सी मी? यस, आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ? ओह ग्रेट। बट आप कहाँ हैं? आपकी मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया, मतलब आपको जरूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं, आप बड़ी खूबसूरत हैं, पर दिख क्यों नहीं रही हैं, आप हैं कहाँ? बट कपिल, मैं बगल में तू तुम्हारे यार, बगल में तो पसीना है आपका। सिद्धु जी, क्या पगड़ी पहनी आपने, पर्पल पगड़ी, वाओ लवली, राइट इन फ्रंट ऑफ यू सिद्धु जी, एकदम आपके ठीक सामने खड़ी हूँ। हो कहाँ हूँ, गुमनाम मोहतरमा? अरे एक्चुअली क्या है ना सिद्धू जी, कपिल वो मैं भूत हूँ ना, तो दिखती नहीं हूँ ना। नहीं, पर ऐसा भूत हो तो दिखना चाहिए। ये हो क्या रहा है हमारे शो के साथ, कभी सिद्धू बाजी गायब हो जाते हैं, कभी अनुष्का गायब हो रही है। चलो, सिद्धू बाजी तो इलेक्शन लड़ रहे थे, आप क्या कर रही हैं आप? सच बात बताऊं यार, वो भूत तो आके बात करती हूँ, वो एक्चुअली ना मेरी ड्रेस रेडी नहीं है, दो मिनट दे, और थोड़ा प्रेस करके आती हूँ। ओला ओला। चला गए अनुष्का, अपना इंतजार करवाती है पहले आवाज देके कि मैं आ चुकी हूं, तो आप सब बैठ जाइए। हाँ जी शेर। अच्छा अच्छा, मुझे पता है, आता ही आता है, खूबसूरत लड़की आई हो। वो डाल है फूलों की, अच्छा जी, चाल में नदियों का मोड़ है, वाह, दीवाने बेकरार हैं एक झलक के लिए, खूबसूरती में बेजोड़ है, वाह। कोई छुपा के आपको जमाना करवा दे स्विस बैंक में मोहतरमा, आपकी एक एक अदा 10-10 करोड़ है ठोको। I just hope फिलौरी का एक एक दिन 10 करोड़ हो। हो सकता है ज्यादा भी हो। अच्छा ऐ दिल है मुश्किल के सुपर डुपर हिट होने के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। और फिलौरी का ट्रेलर मैंने देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है, और ये भी हिट होने वाला है। अच्छा अनुष्का, कुछ तो बात है शर्मा में, लक्की तो हूँ मैं। हाँ, जब जो तुम्हारे शो पे आई हूँ। एक्चुअली देख लो, बॉम्बे वेलवेट में क्या हुआ था? आई नहीं थी। अच्छी। Yes. What a discovery. 100%. हाँ। कपिल प्लीज यार, मतलब दिस इज इट। समझ में आ गया। आ गया समझ में। शर्मा एंड शर्मा इज वर्किंग। Shamas are working everywhere. Everywhere, we are everywhere. Where we are not working, that thing is not working. Zordar taaliyon se Anushka ka swagat, aaiye Anushka. Anushka, aap is film mein bhootni ka kirdaar nibha rahi hain. Ji 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 ji. Aap heroine banke achhe khase paise kama rahi thi. Bhootni kyun ban gayi aap? Mujhe kya laga ki sabhi insaan ban rahe the, sare actors. Ji. Maine kaha main kuch alag karti hu. तो भूतनी बन गई आप? भूतनी बन जाती हूँ। तो आपको किसी ने स्टोरी? भूतनी होती है बड़ी ड्रावनी। हाँ। भूतनी को देख के बंदा कांपने लगता है। ये भूतनी बड़ी अडोरेबल भूतनी है, मैं देखा है उसमें ट्रेलर में। अच्छा। कोई बिल्कुल डर शर तो लग ही नहीं रहा है, वो बंदा जो है जरा स्वीट सा है, कभी टब में गिर जाता है कभी ऊपर, इट्स वेरी फनी। उसमें ये कोई ड्रावना वाला हॉरर मूवी नहीं लग रही, इट्स अ कॉमिक। नहीं हूं, नहीं हूं मैं वैसे ड्रावनी भूत, हूं भी नहीं मैं, फ्रेंडली भूत हूं। हां, जितना उस लड़के को डर लग रहा है ना, हां, उससे कई ज्यादा मुझे उससे डर लग रहा है।
ऐसी सिचुएशन है पर अभी आपको हमें तो पता है कि ये अनुष्का शर्मा है और ये फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं तो हमें क्यूट लगती है कि यार इतनी अगर आप सो रहे हो आपके कमरे में आगे हवा में उड़के को लड़की बोले सिद्धू साहब फिर आपके निकलेंगे शेर ओए मोहतरमा क्या कर रही फिर यही निकलेगा फिर थोड़ी ना अनुष्का की मम्मी भी यहाँ पे हैं बहुत ही प्यारी हैं ये आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम बड़ी छोटी मम्मी रखी आपने मम्मी के बगल में मौसी भी बैठी है मेरी राइट में मौसी भी आई है और वो मेरी नीस है अच्छा भी पता चला सुपरस्टार की मौसी भी हमारी मौसी की तरह ही होती है मतलब बिल्कुल आपको कैसा लगता है आपकी बेटी इतनी बड़ी सुपरस्टार होगी अच्छा लगता है कैसा लगेगा गंदा लगेगा नहीं बहुत अच्छा लगता है नहीं मेरी मम्मी है ना जो हाँ। मेरी मम्मी किसी मंदिर में गई थी तो उन्होंने कहा मेरा ना बेटा टीवी में आता है तो सोनी पे एक शो आता था कॉमेडी सर्कस हम लोग करते थे तो तब तो कहते हाँ हाँ हम जानते हैं देखते हैं कॉमेडी सर्कस में आता है ना जो तो मम्मी कहती हाँ तो कहते जाओ जाओ झूठ बोल रहे हो कीर्तन करते हो ये बातें हो रही सोचो तो मम्मी कहती नहीं यकीन तो नंबर लिख उसका तो उसको नंबर दे दिया वो लड़की मेरे बाद में फोन की कहती बिल्कुल बोल रहे हैं मैं कहा हाँ आपको किसी नंबर दिया आपकी मम्मी मिली थी तो खैर हमारे तो किससे अलग है हमारे तो खबर हर बात में ऐसे किससे हो जाते हैं तो फिर आप कभी आपने खुद भी जाके बताती कभी ऐसे शॉपिंग वॉपिंग करने की मैं अनुष्का की मम्मी हूँ गिव मी सम डिस्काउंट कभी भी नहीं कभी भी नहीं मैं तो बल्कि बोलती हूँ मेरे बच्चे एमएनसी में काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में मल्टीनेशनल ही हो गई मल्टीनेशनल जितना पैसा कमा रही उतनी आपकी बेटी एमएनसी वो इंडिविजुअल मल्टीनेशनल कंपनी है अपने आप में वैसे अनुष्का बचपन से ही उनको एक्टर बनने का शौक था शीशे के आगे एक्टिंग करती थी नहीं मैं बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या जब मेरे को मेरी पहली फिल्म मिली रब ने बना दी जोड़ी जो यशराज बैनर मुझे की बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी और आपकी इतनी आप क्यूट लग रही थी उसमें शाहरुख भाई एक मूछ लगा के आ जाते पहचानती नहीं पूरी फिल्म में कि मेरे पति नहीं है वैसे आपने पहचाना क्यों नहीं दो ढाई घंटे में इतनी भोली थी ना मैं सिर्फ मूछ उतार के आ गया और पहचान नहीं रही है मैं इतनी क्यूट लगी ना मैं कह लड़की बहुत क्यूट है बहुत आगे जाएगी हाँ तो फिर क्या हुआ अभी मेरा ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं था सच में कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी बिकॉज अगर आप नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आ रहे हो और जी. तो ये चीजें बहुत इम्पॉसिबल लगती है तो हो ही नहीं सकता है जी. लेकिन जब मुझे फिल्म मिल गई तब मम्मी ने ना मुझे एक चीज दिखाई थी हमारे घर पे ना कछुआ छोटा सा रहता था लकी होता वो, हाँ फेंग शुई का जो होता था वेरी लकी तो मम्मी ने उसे एक चिट निकाल के मेरे को दिखाई जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था अनुष्का को यशराज या करण जौहर की पिक्चर मिले मतलब उन्होंने एक विश डाल के वहां पे रखी थी क्या आपने खुद सालों की सालों तक एंड इट्स बिजार एंड शी शोड इट टू मी एंड आई वाज शॉक्ड अगर आप खुद भी नहीं कोई चीज चाह रहे हो योर पेरेंट्स थिंक सो मच फॉर यू मां बाप इतना सोचते हैं आपके बारे में जितना आप भी अपने लिए सोच नहीं सकते सही बात नहीं कपिल किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप ऐसे कभी कुछ विश होती है ऐसे रखो फेंग शुई का एक टर्टल है तो उसको अंदर लिख दो वो चीज तो हो जाती है अच्छा पता नहीं देखो अभी तो अभी अभी सारे लोग भागेंगे वो टर्टल ढूंढने हमें पता ही नहीं था हम तो ऐसे ही इधर चक्कर काटते रहे प्रोडक्शन हाउस के पता होता कछुए ले लेते ओके चलिए मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए आप गायब हो जाए या आप उड़ के कुछ कर सके अच्छा या बुरा जो भी आपके मन में आता है आप अपने विचार पेश कर सकते हैं जी कोई मेरे दोस्त यस मैम कपिल आई लव यू वेरी मच थैंक यू सो मच मैम अनुष्का जी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं अगर मैं नहीं हैंडसम मैंने बोला ना लव यू सब कुछ आ गया ओह सो स्वीट अगर मेरे पास ये पावर बैंक ओह सॉरी देखा बात टेक्नोलॉजी की आई है फोन चार्ज कर लो व्हाट्सएप कर लो ट्विटर पे चले जाओ हम तो नहीं जाते गए थे चलो सॉरी पर ओके पावर बैंक नहीं मतलब अच्छा पावर आ जाए तो अगर मेरे पास ये पावर आती है तो मैं जासूस बनूंगी फिर क्या करेंगी मैं आधा तो मैं समझ गया और मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ एक है ऐसे क्या बोलते है पति देव नाम का उनकी जासूसी करूंगी मैं मतलब भूत बन के भी छोड़ना नहीं है नहीं छोड़ूंगी काफी सुने उनके किस्से काफी रंगीन मिजाज के है वो इनका ये कहना है तो आपको कैसे शक हुआ कि ये काफी मतलब शरारती हैं मैंने बोला ना दोस्तों से काफी किस्से सुने हैं रंगीन मिजाज के ये बहुत आप इनके दोस्तों के साथ ऐसी बातें करती मेरे भी तो दोस्त है ना वो पर बहुत ही क्यूट कपल है आप क्या करते हैं सर आप बिजनेस करता हूँ अच्छा जी
यही बिजनेस जो मैडम बोल रही है? नहीं नहीं इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स का. ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए. थैंक यू थैंक यू. और कोई मेरे दोस्त ऐसी विशेष शक्ति आ जाए? ओके भाई साहब आए. मुझे अगर कोई पावर मिले तो मैं तो भूत बनना चाहता हूँ. भूत की तो पावर मिल रही है. वही मतलब पावर मतलब भूत ही बनना चाहता हूँ मैं. भूतों में भी आगे भूत बनना चाहेंगे? हाँ. ते करोगे क्या? भूत बनकर मैं अपनी वाइफ को डराना चाहता हूँ पहले तो. क्यों डराना चाहते हैं आप भूत बनके? नहीं वो मुझे बहुत डरा के रखती है सर. कहीं जाने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती. कहाँ है वाइफ? कहाँ है? क्यों नहीं जाने देती आप जॉन अब्राहम को कहीं? क्या शक है आपको? तो मैम आप ये भाई साहब सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं. तो आप डिक्टेटर पत्नी हैं, तानाशाह पत्नी? मुझसे बहुत डरते हैं. आपके लिए तो खुशी की बात है. क्यों डरते हैं भाई साहब आपको? आप इतनी तो हसमुख है, हंसकेल के बात कर रही हैं वो. नहीं सर यहाँ पे हंस रही है, घर पे नहीं हंसती. घर पे जितनी भी कपल्स यहाँ पे अपनी दुविधा लेके आए हैं शो के एंड में यहाँ पे प्लीज पैसे रख के चले जाएंगे. हम ऐसे दुखी लोगों की चैरिटी के लिए काम करेंगे. काउंसलर बना दिया है, मैरिज काउंसलर. तो कहाँ कहाँ नहीं जाने देती आपको, और कहाँ कहाँ जाने देती, और कहाँ कहाँ पूछ के जाने देती, कहाँ कहाँ पूछ के भी नहीं जाने देती? सिर्फ काम पे जाने देती, बाकी कहीं फ्रेंड से मिलने जाना, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाना है तो नहीं जाने देती. बोलती वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी तुम मत जाओ. तो आपके स्कूल में लड़कियाँ भी थी? तो इसलिए नहीं जाने देती कि लड़कियां आएंगी. हाँ. तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरा ये ओपिनियन है कि दोस्ती है पुरानी स्कूल की, जाने देना चाहिए. कुछ चीजें हो सकता है स्कूल में ना पढ़ी हो, अब पढ़ने जाते हो तो सिलेबस अधूरा रह जाता है. पर आपके इतने प्यारे पति हैं मोमोज जैसे, आपको मतलब मैंने अभी मोमोज खाए तो मुझे और कुछ एग्जाम्पल नहीं मिला तो मैंने बोल दिया. पर आपकी सच्ची फ्रेंड्स आती हैं ऐसे स्कूल की मिलने? आती हैं? आती है सर, आती है. पर मैडम नहीं जाती अपने स्कूल के फ्रेंड्स से ऐसे मिलने? नहीं नहीं उनका स्कूल गांव में था ना, अभी यहाँ आ गए. तो ये जानबूझ के आपने स्कूल गांव से दूर लेके आए उनको ताकि ये स्कूल के फ्रेंड्स से ना मिल सके? आपकी सोची समझी साजिश भी हो सकती है ये? नहीं वो सब पिताजी ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया. ये ऐसे सीधे साधे पति पे आप शक करती हैं? आपको मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं माथा टेक दूँ आपको? इन पे शक ना करें, इन पे रहम करें. बहुत प्यारे हैं आपके पति, और आपकी पत्नी बहुत प्यारी है. मुझे लगता नहीं ऐसे ये करती होंगी, पर आप बोलते हैं तो. नहीं सर करती है. तो आप भूत बन के कैसे डराएंगे भाई साहब? भूत बन के डरा दूंगा. हेलो हेलो, और तू डरा रहा था, भौंक रहा था, क्या कर रहा था? अब डराएंगे कि काटेंगे? ये भौं कौन करता है? सर वो बगल में ना, तो आइडिया भी नहीं आ रहे डर के मारे. ओहो हो, अच्छा फिर डरा के दिखा, भौंकना मत, डरा के दिखा. अब किसी और तरीके से डरा के बताओ. वो वाला तरीका तो हो गया, अब दूसरा तरीका. पर ये तो मजा आ गया सुन के. ये दो तीसरा तरीका कोई और, तीसरा. आप तो गायब हैं, तो ये तो दिखेगा नहीं. अब एक और, एक और. आप बड़े क्यूट है पांडे जी. थैंक यू, शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू सर. जी सर, माइक दे दीजिए सर को. नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार कपिल जी, अनुष्का जी. हम कई अरसे से आपका सब प्रोग्राम देखते हैं हमारी फैमिली के साथ. शुक्रिया सर. आपके प्रोग्राम देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है, और हमें ऐसा महसूस करते हैं कि हर शख्स चाहे कहीं भी हो, अगर दिन भर का थका हुआ हो या परेशान भी हो, लेकिन आपका लाइव शो देखने के बाद बहुत खुशहाल हो जाता है. थैंक यू सर. उसकी तकलीफें शुक्रिया दूर हो जाती है. और मैं आज मेरे मिसेस के साथ, मेरी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ आपको कुछ आशीर्वाद के तौर पर कुछ छोटी सी सौगात देना चाहता हूँ. थैंक यू सर. प्लीज प्लीज आप कलेक्ट कीजिएगा. आइए आइए भैया. हम भैया आइए आइए. कैसे हैं आप?
इनको भी आशीर्वाद दीजिए, बड़ी प्यारी लड़की है ये। दोनों के लिए आशीर्वाद। आपके लिए है ये, क्या है सर? सोने के पंचमुखी हनुमान जी। सो स्वीट ऑफ यू सर, आप थैंक यू सो मच। ईश्वर करे, ईश्वर करे आपकी हर हर जगह पे हर वक्त हमेशा के आपकी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू सो मच। और आपकी तरक्की हो। और अनुष्का जी, ये आपके लिए भी, जैसे कि कपिल जी बहुत ही बार कहते हैं कि मुझे इंग्लिश का जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है आप हिंदी में पढ़िए और इंग्लिश में उनसे ट्रांसलेट करवाइए। अच्छा, बेबे कैंदी सी, इधर पंजाबी का वर्ड है बेबे कैंदी। हाँ जी, वही तो बात है। मुहावरे, बेबे कैंदी सी, अपनी औकात में रहना, पहला ही मुझे ये पढ़ने को मिला। लेकिन कपिल जी, ये आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके कहना है। अनुष्का जी आपसे पूछेंगे हिंदी में और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहिए, ताकि लोगों को भी ख्याल में आए। अनुष्का ठीक ठीक लगा लेना मेरे को। अपना सिक्का खोटा होवे ते बनिए दा की दोष। मतलब अपने पास खोटा सिक्का हो, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, मतलब हम सबको समझ में आता है कि इफ योर ओन कॉइन इज सोर, खट्टा खोटा, खट्टा भी पास पास ही है ना। सो इफ योर कॉइन इज यूजलेस, देन व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ शॉपकीपर? मैं, तूने पेंक दिया, जवाब ठीक था मेरा, पाजी गलत था। टॉप टॉप, बिल्कुल ठीक था ना। पर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आपने हमें गिफ्ट की है, बेबे कैंदी सी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। दिल से हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर करे आप दोनों की। सर आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है एक्चुअली अनुष्का, आइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? अनुष्का ने हमारे शो के अलावा फिलौरी के प्रमोशन के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी डाली आपने सोशल नेटवर्किंग पे, कुछ आपने डाली जी, कुछ आपने नहीं दिखाई। हाँ। हम सारी पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे पहुंची आप वहां पे, क्या कर रही हैं? जी, जी। ये इसमें क्या है? ओके, तो चांद पे। हाँ। ओके। तो क्या था कि मुझे लगा मेरा कॉस्ट्यूम बहुत आसान था, यू नो, उन्होंने वो पूरा स्पेस सूट पहना हुआ था और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था साथ में, एंड तो आई थॉट मैं उनकी मदद कर देती हूँ, मैं काफ़ी, मतलब लाइक आई सेड, फ्रेंडली भूत हूँ मैं, तो मैंने झंडा गाड़ने में उनकी मदद कर दी। कौन है भाई साहब जो साथ में? नील आर्मस्ट्रांग। नील, वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यस, वी बॉन्डेड वेरी वेल ऑन द मून, वेरी नाइस। एक और, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और दिखाइए। Oh, this time. ये तो बस वो याद है, वाज इन फॉर अ फनी डे। कहाँ की फोटो मुझे दिख नहीं रही इतनी? अरे ऑस्कर्स, ऑस्कर्स। अच्छा, ऑस्कर्स में भी गई आप? Yeah, 2017, recent. I was there. नाम गलत बोल दिया था ना ऑस्कर्स में। हाँ, गलत मूवी का नाम दे दिया था, तो मैं बोल रही थी इन लोगों को गलत नाम है, गलत नाम है, गलत नाम पढ़ रहे हो। अच्छा किया, लेकिन मेरी हिंदी हिंदी समझ नहीं पाए वो लोग, वरना okay. तो मैं पूरा, मतलब अवॉइड करा सकती थी पूरा इंसिडेंट। आगे दिखाइए और है। ये तो हमारे शो का प्रोमो है, आपको पता था हम सुनी जा रहे हैं? नहीं, नहीं, दैट्स ग्रेट, प्राउड ऑफ यू माय टीम, वाओ, हमारे शो की भी प्रमोशन हो रही है। अगेन और है हमारे पास। आपकी विश पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई, इसलिए इतने खुश हैं। और आ गए हैं हमारे पास। मैं कितनी दुखी लगती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है ये पिक्चर्स, उन्होंने बोला कि अनुष्का ने कुछ पिक्चर्स डाली हैं और कुछ, इनमें से बहुत सारी ना मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, मैंने बस पहली दो डाली है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, ओके, सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। कप्पू आ गई रानी। कप्पू, ओए होए, देखो कमाल है, तू बस यही बैठा रहता है,
अरे गर्मी आ रही है, ये नहीं है कि जाके एसी ठीक कर ले। एसी है कहाँ घर में, इतना पुराना पंखा ना 5 मिनट चलता है चक्कर खा के गिर जाता है नीचे। पता नहीं कौन सा एसी, कुछ भी बोलते हैं हमारे रिश्तेदार। ऐसा नहीं है पुत्र, हमें बोलना पड़ता है ताकि लोगों को तो लगे कि हम अमीर है कि नहीं। अनुष्का मेरी बच्ची आ गई, जीती रहो जीती रहो, मुझे पता था तू आने वाली है। अच्छा कैसे? क्योंकि मैंने बाहर सिद्धू साहब को देखा था, तेरे लिए शेर बोलने की रिहर्सल कर रहे थे। ओए गुरु मोहतरमा, हर एक अदा की कीमत 10-10 हजार। 10-10 करोड़ बोली थी उन्होंने, 10-10 करोड़। हाँ। वो तो सबके लिए बोलते रहते हैं। और ये पुष्पा आपके लिए सिर्फ बोर रेसिस्ट। बैठो बेटा, बैठो ना आप भी इधर, आराम से बैठ के बात करो आप। झटका मत दिया कर पुत्र, बाहर आ जाएगा। और सुना, जान की बात कर रही हूँ। भाई मेरी बच्ची कितनी फिट लग रही है। थैंक्स नानी। लगेगी क्यों नहीं, पेड़ पे जो रह रही है, ताजी ताजी हवाएं, ताजे ताजे फल खाए होंगे तुमने, है ना? 3 साल पुत्र, 3 साल मैं भी पेड़ पर रही थी। क्या है, हमारा जो घर था ना बाढ़ में बह गया था। बाढ़ में तो बह गया, ऐसे गोला बना के रहते हैं, ऊपर से कुत्ता निकल गया ना पैर रगड़ता रगड़ता, तो बंटवारा हो जाता घर का। ये क्या कुछ भी बोलती हूँ नानी तुम आगे। अच्छा मेरी बच्ची सुन, मैं क्या कह रही थी। जी नानी जी। बुरा मत मानना, तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हाँ। है ना, लेकिन फिकर मत कर, तेरी आत्मा का मिलन मैं करा कर ही रहूंगी। अरे वो ट्रेलर है, फिल्म है वो, ऐसे तो असल में थोड़ी ना भूत है वो। इतनी खूबसूरत देखो, कितनी खूबसूरत है वो, कहाँ से भूत है वो? ये भूत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। तुझे नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। अभी चेक करके बताती हूँ। बच्चा इधर आ एक मिनट, पुत्र इधर आ, पुत्र एक मिनट, तू इधर आ जा पुत्र, अभी बताती हूँ भूत है कि नहीं। एक मिनट खड़े रहे बेटा, इधर खड़े रहे, सीधे खड़े रहे, डर मत बेटा, एकदम ऐसे सीधे खड़े रहे। पलट, ये देख इसके पांव उल्टे, इसका मुंह भी उल्टा है, सब उल्टा है, देख। उल्टा जाके देखेगी तो पैर उल्टे लगेंगे। अच्छा अब तू मुझे दिखाएगा कि कैसा देखना है, हैं? नानी ने दुनिया देख रखी है। दुनिया ने भी नानी देख रखी है। बस हमेशा मेरी बात काटेगा, ये नहीं कि मुझे सपोर्ट करे ताकि कोई नई बात आ जाए। तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? नींबू है। कलर क्या है इसका? पीला। अगर ये लाल हो गया मतलब ये आत्मा है, ठीक है? बच्ची एक बार फूंक ले इसमें। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात लेके निकल जा, फूंक। हो गया लाल। कहां हुआ है ये? तो अंदर से हुआ है। ये शो ऑफ नहीं करता। देखा, तू फिकर मत कर बच्ची, तू फिकर मत कर, तेरे आशिक को भी यहाँ बुलाऊंगी और तुम दोनों के आत्मा का मिलन करा कर रहूंगी। ठीक है आशिक, आ जा। शशि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शशि तुम हो कौन? शशि मुझे नहीं पहचाना। शशि उन्होंने चाय पी ली, फटाफट केटल लेके जा केतली और जाके धो दे चल। झूठे कब धो दो फटाफट, उन्होंने कॉफी पी ली ना। आप इनके ट्रांसलेटर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तुम उनसे क्यों बात कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें? चुड़ैलों के बाल लगा के आ गया इधर तू है? आज मैंने कप नहीं धोना ये। क्यों? क्योंकि ये मेरी शशि ने झूठा किया है। हाय। मैं इनका पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। हाय। देखी मेरी शक्ति। नींबू है ये तो, शक्ति कहाँ है ये? हाँ तो इसी से तो इसके आशिक को उस जमाने से इस जमाने में ले आई मैं। उस जमाने से अच्छा दही जमा लेती, अच्छा था लस्सी तो पीते। लस्सी पी रहे? हाँ। मैं भी पीकर आती हूँ। आओ अनुष्का बैठते हैं इधर। ये झूठा है, ये कोई फिलौरी नहीं है, ये चंदू है, इधर चाय वाय बनाता है इधर। हाँ तो वो इस जन्म में बनाता हूँ ना, पिछले जन्म में तो मैं फिलौरी था ना। और आपको पता है मेरे पास सबूत भी, ये देखिए एक तारा, ये मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। भाई ये तो मुंह से बजा रहा है। और नहीं बज रहा फिर क्या करूँ अब मैं।
प्यार, हमारे प्यार को सबूत की जरूरत नहीं है। पिछले जन्म में हमारा साथ तो बिल्कुल वैसा था जैसे दाल मखनी का साथ होता है। तूने तो दाल और मखनी साथ में कभी देखी नहीं एक साथ। आपको बताया ये जो सेहरे का रिवाज आता है ना दूल्हे के चेहरे पे, वो इसी की शादी शुरू हुआ। इनके पिताजी को डर था कि कहीं दूल्हे ने चेहरा देख लिया शादी कैंसिल ना हो जाए, तो बाप को पता घोड़ी ने बीच में देख लिया था, जो घोड़ी लेके जाती ना ऐसे ऐसे करके, तो बीच में घोड़ी ने ऐसे देखा इसको, सेहरे के नीचे से ऊपर था ये, तो उसका मुंह देख लिया। भाई जैसे भी है मेरी शादी तो हो गई ना, चाहे सेहरा लगाकर हो जाइए, तो सेहरा लेकर घूमना कोई लड़की नहीं दे रहा इनको। क्योंकि सबको पता है इन्होंने लड़की को यही बोलना होगा, यार अपनी शक्ल देख ऐसे लग रहा बिल्ली शेव करके बैठी हुई है। मैं ऐसे बोलता हूँ कभी? बिल्ली कभी शेव करती भी? शशि वो टाइम भूल गई जब खेतों में ऐसे बाजू फैलाकर मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। और ये तू इंतजार थोड़ी करता था, ये पर किसान ना 2500 रुपए लेता है, पुतला बन के खड़ा चिड़िया भगाता है, ये झूठ बोलता है। और पाजी जिस कौवे को मैंने उड़ाया आज बैठकर इंटरव्यू ले रहा है देखो। अच्छा अगर प्रेमियों में एक बात प्रूफ करो। हाँ बताओ। एक कविता थी जो तुम बोलते थे पिछले जन्म में, तो मैं उसकी एक लाइन बोलती हूँ, ठीक है तुम अगली लाइन बोलना। ठीक है ठीक है। मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है हमें भी बताना, आगे बता देंगे। भोर सवेर वो गुनगुनाए तो हमें भी सुनाना, आगे। और तुम पहले उठते ही कल नहाना। इधर उधर ना चले जाना, अब नहीं सुनना कोई बहाना। तुम मतलब ना सुनाऊ मैं गाना? ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। क्यों? मैं चाय लेकर आऊँ इनके लिए, जो मेरा काम है। दादा जी की वाइफ सुना मड़ी। भाई शशि देखो, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सौगंध खा लो कि तुम मेरी बनोगी। जोरदार तालियां। मैं सच बताऊं, मैं एक चाय वाला हूं। चंदू जब तुझे पता तू हर बार पकड़ा जाता है तो क्यों ऐसे बन के आता है? क्या कौन तुझे बोलता है ये सब करने को? मेरे को पाजी ये पहना दे लूंगी, मेरी टांगों को नीचे से ठंड लग रही है। मैं आपके लिए चाय लेकर आता, रहने दो कोई बात नहीं। अच्छा अनुष्का की फिल्म आ रही फिलौरी, उसमें एक लड़का अमेरिका से आता है शादी करने, और उसको जो है ज्योतिषी कुछ बोलते हैं ऐसे कि आपके ऊपर दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको पेड़ से शादी करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसी बातें होती हैं जैसे हमने कहा कि पेड़ से शादी होती है, और बड़े सारे टोटके भी बताते हैं लोग, हालांकि मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता पर बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे कोई है हमारे ऐसे दोस्त? जी मैम। अपने बारे में एक मैं सही आपको घटना बताने जा रही हूँ, मैं घोर मांगलिक हूँ। अच्छा जी। और मैंने लॉ मैरिज की हुई है। अच्छा जी, तो वो भी मांगलिक है? वो मांगलिक नहीं थे और मैं घोर मांगलिक थी, तो जब मैंने अपनी मम्मी पापा के समक्ष अपनी बात रखी जी कि मुझे शादी करनी है, तो पापा क्योंकि मेरे ज्योतिष में काफ़ी भरोसा करते हैं, अच्छा तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरे काफ़ी रोने के बावजूद जिद करने के बावजूद वो इस शर्त पे माने कि तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अच्छा। और बड़ी कठिन तपस्या की साहब मैंने, एक महीने तक मुझे लाल वस्त्र में रोज सुबह शिव अभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जाना पड़ा। तो शादियाँ हुए कितने साल हो गए अभी? 20 साल। तो आपको आदत पड़ गई लाल पहनने की? जी। एक महीने तक तो आपने लाल पहना? तो जब मैं सुबह सुबह उठती थी तो मैंने सवा महीने तक लाल साड़ी पहनकर अभिषेक करने के लिए जाती थी, और नंदी बाबा को 11 पूड़ी या पुए बनाकर अपने हाथों से मैंने उसमें मीठा रखकर सवा महीने तक खिलाया, और शाम को मैं निर्जला रहती थी। ये हमारे जो आर्टिस्ट है ना चंदन जी, चंदन मैं प्लीज, बड़ा मजेदार किस्सा था उसने मुझे सुनाया था। चंदन 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 मेरा दोस्त है, इसका एक किस्सा था बड़ा मजेदार इसने मुझे सुनाया था, मैं हंस के मर गया पाजी। चंदन वो वैसे ही सुनाना जैसे मुझे सुनाया था, क्या हुआ था, क्यों खिलाना चाहता था। माइक कहाँ है तुम्हारा? माइक ये ले लो, सही सही सुनाना, हुआ क्या था असल में? बोल के सुना पाजी। मैं तब ऐसे ही था, मतलब पहले टीवी पे आते थे, तो उसके बाद थोड़ा कम आना शुरू हो गए, आते ही नहीं थे मतलब टीवी पे। तो मेरे को पंडित ने बोला कि आपका ना मंगल खराब है। तो मैं बॉम्बे आ गया था पाजी, तो मैं 6 महीने रहा, तो काम वाम तो ऐसे ही था, फिर भी मेरे को कहते मंगल खराब है, तो आपने जो गाय है उसको लाल फल खिलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लाल फल, पैसे भी उतने ही थे हमारे पास, तो लाल फल मैंने ले लिया, सेब लिया पाजी। तो सेब मैंने कहा कितने का, इधर सेब महंगा है, उधर तो मिल जाता है 10 रुपये का 15 रुपये, इधर 55 रुपये का मैंने सेब लिया। तो सेब मैंने कहा अच्छा मोटा दाना लेते हैं, गाय खुश हो जाएगी, गाय खुश हो जाएगी। तो मैं पाजी अब ये बॉम्बे
जो छोटे शहर होते हैं वहाँ गाय वगैरह मिल जाती है इजीली, तो इधर मैंने सेब तो ले लिया, मैं ओशी वाला रहता था तो उधर गाय ना मिले। तो पाजी मैं ऑटो लिया, मैंने ऑटो लेकर मैं गाय ढूंढ रहा हूँ और मैं गाय ढूंढी जा रहा हूँ हार के मैंने जब मैंने देखा ना मीटर चली जा रहा है गाय नहीं मिल रही, तो मैंने उससे उसी से पूछ लिया, मैं कहा यार इधर गाय कहाँ मिलेगी, कहते वो तो पार्ले में, तो मैं कहा चलो ऑटो, अच्छा वो पार्ले में जाए 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 तो उधर मीटर जाई चली जाए। पहले मंगलवार था, फर्स्ट मंगलवार की बात है। तो मैं पाजी करते 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 शाम 6:30 बज गए, तो मैं हार के करते पार्ले में भी नहीं, पार्ले में नहीं गौशाला थी वहाँ पे, तो वहाँ ऑटो लगा रही, कहता भाई साहब सामने गौशाला, मैं कहा शुक्र है गौशाला सामने, कितने गायें इधर भी गायें इधर भी गायें, मैं इतना खुश गाय को देखकर। तो मैं गाय देखी तो पहली गाय इधर खा रही थी ऐसे से, तो मैंने ऐसे फल का नाम लिया, पहले पैर वैर धोए अपने हाथ हाथ ये वो सारा कुछ, तो फल मैंने ऐसे गाय को दिया, खाया ऐसे खा रही थी, मैंने फल उसके आगे किया गाय कर दी। तो और मुंह इधर कर लिया गाय ने, मैंने इधर क्या गाय ने मुंह फिर इधर कर लिया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा मंगल ज्यादा खराब है। तो मैं हो सकता सेब ही खराब हो, नहीं नहीं सेब 55 रुपए का सेब खराब लूंगा मैं। मैं पाजी वो सेब जो है वो मैंने कहा हो सकता है गाय का पेट भरा हो ना, तो मैं दूसरी गाय थी, कितनी सारी गाय थी, मैंने शुगर ज्यादा है, तो मैं दूसरी गाय के पास चला गया, वो भी करती क्या मतलब मैं पाजी पता नहीं मैं मेरे मैंने कहा कर देता हूँ चलो, मैंने फिर उसको किया उसके मैं आगे कर दिया, तो कर दी पूरी जुबान लंबी होती ना गाय करके दे। पाजी सेब गिर गया नीचे, मैं झूठा हो गया झूठा, पंडित को फोन किया, मैं कहा पाजी वो तो सेब बाहर निकाल दिया, कहते आपने बड़ा सेब ले लिया था छोटा लेना था। मैं नेक्स्ट मंगलवार फिर गया, फिर मैं छोटा सेब लिया पाजी 35 रुपए का, फिर मैं गौशाला करते 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 लेट हो गया था, मैं करते करते 6:30 बजे मैं पहुंच गया, तो मैंने गाय को पाजी खिलाया, गाय खा गई, मैंने चलो मैं कहा चलो, मैं पंडित को फोन किया, मैं कहा गाय ने खा लिया है जी सेब बताई हो आपको, कहते कब खाया, मैं कहा अभी अभी, कहते अभी तो 7:30 बजे, वो कहते दिन ढलने से पहले खिलाना था। अगला मंगलवार आया, फिर मैं फटाफट 4 बजे 35 रुपए सेब पकड़ के मैं निकला ओशीवारा से ऑटो से, करते 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 ये चार बंगला आया, चार बंगला मैंने देखा गाय, मैं कहा रोको 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 ऑटो वाले को, तो फटाफट बाजी वो बैठी हुई थी, मैंने गाय को किया ऐसे, मैं कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने इधर जाकर देखा वो बैल था। इसका मंगल सच्ची में खराब है, और मंगल मेरा सच में खराब था। तो ये थी बात है ना, पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, थैंक यू चंदन। पाजी आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो होते हैं सुपरस्टिशियस होते हैं, सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, आपने बहुत बार कोई बताओ किसी का और मजेदार किस्सा। सचिन तेंदुलकर लेफ्ट पैड पहनता था पहले हाँ ऑलवेज, आपने तो किसी को तो कॉपी किया था ना कि सूर्य को देख के और आप दंड मार के जाते थे, सुना तो दो फिर अनुष्का को सुना दो, फिर क्या अपने घर की बात है। कपिल पाजी की आदत होती ना जी कि वो जब बाहर जाते थे ना बैटिंग करने, तो सूरज को देखते थे और एक दंड मारते नीचे ऐसे करके बैठक बैठक ऐसे, तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था, मैं यार एक तो प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं सूरज को देख के, और बैठक मार के एकदम से शरीर खुल जाता है, फिर वो यूं यूं करते थे, तो हम उनको उस वक्त ना एडुलेशन इतनी थी। टेस्ट मैच चल रहा श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा मैं नंबर 3 बैटिंग कर रहा, तो आउट हुआ, तो मैं भी बड़ी टॉर में बल्ला बल्ला घुमाया ऊपर ऐसे करके देखा, अच्छा और आगे मैंने यूं किया आपकी लंका सबने देख ली। अच्छा अच्छा मैं बड़ा पता तो मुझे ही था और तो किसी को पता नहीं लगा, तो मैंने पीछे से यूं कमीज निकाली और कमीज यूं फर्र कर दिया पीछे, मैं कहा कोई चक्कर नहीं है, मैं फिर अकेला मैं 1 leg ली, शॉर्ट लेग पे रोशन महानामा खड़ा था। मैंने 1 leg ली और ये सिद्धू डा व्हाट अ सीनरी डा भाई। ओह
उस दिन के बाद मैंने बैठक नहीं मारी ना मैं सूर्यदेव को देखा, महंगा महंगा पड़ेगा भाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि फिलौरी में अनुष्का के ब्रदर जो हैं कर्णेश शर्मा, वो भी प्रोड्यूसर है, वो क्यों नहीं आए वैसे? उसको कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। क्या? क्योंकि थ्रू आउट आवर लाइव्स कभी भी हम कहीं बाहर जाते थे, कोई डिनर का प्लान होता था या कुछ, तो कभी नहीं आता था, तो मम्मी पापा और मैं ही जाते थे। चेक कर लो वो क्या करता है आप सबको भेज के। बट लेटर ऑन रियलाइज आई थिंक वो हमारे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता था। क्यों? आई डोंट नो, मे बी वी नॉट कूल इनफ फॉर हिम। अगर आप भूत बन जाएं तो आप इन सेलिब्रिटीज को कैसे परेशान कर सकती हैं? तो रणवीर सिंह को तंग करना हो कैसे करेंगी आप? रणवीर सिंह को अगर तंग करना होगा तो मैं उसके वार्डरोब में थोड़े नॉर्मल कपड़े डाल दूंगी, जैसे कि नॉर्मल जीन्स, नॉर्मल टी शर्ट, नॉर्मल जूते। एक्चुअली हाँ, रणवीर के कपड़े बहुत परेशान हो जाएगा वो। रणवीर पता नहीं कहाँ मुगलों के वहां से मॉल में जाके शॉपिंग करता है, लंबी लंबी कुछ भी हो, कभी चोटी कर लेता है। ओके ओके, सलमान खान उनको कैसे परेशान करेंगे आप? परेशान ही नहीं करेंगी एक्चुअली। तुम करोगे भूत बनके? मैं भूत बनके जाऊंगा, फिर मैं तो दीपिका के पास जाऊंगा मैं। ओके सॉरी जी। हाय कपिल। हाय अनुष्का। सत श्री अकाल सिद्धू पाजी। अनुष्का मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी जो पिक्चर आ रही है फिलौरी, उसमें मैंने देखा आपने गिद्दा किया है, तो मैं आपके साथ गिद्दा करना चाहती हूँ। आपको आता है करना? हाँ तो आ जाओ। मैंने कुछ गिद्दे वालियों को भी बुलाया है। आपने नहीं बुलाया, वो प्रोडक्शन वाले बुलाया, इतना तो हमें पता है। तो कपिल प्लीज उनको बुलवा दो। ओके वो बुला लेते हैं। गिद्दे वाले आओ भी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। ओ वाव वाव। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो बैंड पीपल, हेलो एवरीवन, हेलो हाय हाय हाय, हेलो हेलो हाय हाय। ओह शिट, हेलो अनुष्का शर्मा। वाह, मैं अंदर बैठा था, मुझे आवाजें आ रही थी, मैंने कहा ये आवाजें तो जानी पहचानी है, अनुष्का शर्मा। यस एंड आई वाज राइट, कपू शर्मा की बहन। वाह कपू शर्मा, तुम्हारी सिस्टर आई है, तुमने बताया नहीं। ये तो मैंने नहीं बताया। तो मैं एक आपको और चीज बताता हूँ। क्या? कि अगर आपने ऐसी बात है कि ना, आपकी पीठ पे मुक्का आने वाला है। मुक्के से डर नहीं लगता है साहब, मेरे को तो जब मेरी टांग मरोड़ के ऐसे करके मार देना तब डर लगता है। एंड हाय अनुष्का, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी। हाय। इधर बैठो आप, इस बार नहीं गिरने दूंगा मैं। माय सेल्फ डॉक्टर मिश्र गुलाटी, MMBKH। MMBKH मतलब मेरे में बहुत कीड़े हैं। दूर बैठ जाओ। तो ये कीड़े तो रहेंगे ही। आपको कितनी बार कहा है स्विमिंग पूल में जाया करें, हम नाले में स्विमिंग क्यों करते हैं? I love swimming. Oh. You know, I become a fish when I'm in the pool. Oh. I just love the feeling. I like swimming. I am like नाले में इसलिए क्योंकि स्विमिंग पूल में तो नॉर्मल पानी होता है, कोई फायदा नहीं है। नाले में यू गेट सरप्राइजेस। Yes. You know, क्या सरप्राइज मिलता है उसमें? कभी पन्नी निकलती है, कभी खाली बोतल, कभी चिप्स का खाली पैकेट, ये सब निकलता है। उसका मजा ही, बदबू का अलग है उसका एक। That is the reason, और कोई ऐसा कोई कारण नहीं। एंड या स्विमिंग में मैं आपको बता रहा था, मेरे को गोल्ड मिला। तो आपको गोल्ड मेडल किसने दिया? आप कॉम्पिटिशन? मैंने कब कहा दिया? मैंने कहा मुझे गोल्ड मिला। दिया और मिला में फर्क होता है सिद्धू साहब, इस इंसान को नहीं पता। अनुष्का जी आपको तो पता है,
यू आर ब्यूटिफुल. दिया जलता है, मिला जलता है, नहीं जलता है. डिफरेंस है, इंटेलिजेंट लोगों की बातें हैं, तुमको नहीं पता. लेट्स फॉरगेट ऑल दैट. मुझे गोल्ड मिला बिकॉज मैं ना, आप देखिए मेले वगैरह लगते हैं, लोग उसमें स्नान वगैरह करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहन के ना बैठ जाता हूँ, तो किसी का गोल्ड गिरा तो मेरे को मिला, मिला मेरे को. कुत्ते का कॉस्ट्यूम क्यों पहनते हैं आप? आपका अपना मुंह इतना अच्छा कंगारू जैसा है. कुत्ते का कॉस्ट्यूम क्यों? ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा शो है तो मतलब कंगारू को भी बात कर रहे हो? इंटरनेशनल. चलो मेरी बातें तो चलती रहेंगी, आप ये बताइए क्रिकेट को छोड़ के आपके और क्या क्या इंटरेस्ट है? Let's change the topic. Yes, आपकी फिल्म आ रही है अभी फिल्लौरी, फिल्लौर जिले के बारे में कहानी है, तो फिल्म का टाइटल है फिल्लौरी. अगर यही कहानी गुड़गांव के बारे में होती तो फिल्म का टाइटल होता गुड़गुड़ी. कैसा लगा मेरा मजाक? आपका जैसा मुंह है ना वैसा ही था. यू मीन सेक्सी, दैट्स व्हाट यू मीन? या डॉक्टर साहब, आपने बहुत फालतू की बातें कर ली. Yeah. अब आप चलिए यहाँ. अरे फालतू की बात से याद आया, आज मेरी बेटी की शादी है. Yes, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ. सरला! हाँ पापा. Hi Anushka, how are you? Very good, how are you? I'm very good. Anushka, तुम्हारी सहेली Anushka, how are you? तुम कॉन्फिडेंस के साथ राम राम मालकिन बोलो. चलो ऐसी बातें करते, उसको मौका मिलता है मेरी बेइज्जती करने का. बेटे मेरी चाल है बेटे, अगर तुम्हारे बारे में करेगा तो मेरे बारे में करेगा ना. तो अनुष्का जी, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको नहीं लगता कि मेरी बेटी हीरोइन मटेरियल है? पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है. अच्छा, तुम्हें तो करण जौहर बाहर खड़ा ना लॉन्च करने के लिए. तुम्हें नहीं, अपना देखो कैसे कॉन्फिडेंट. मुझे लॉन्च नहीं होना है, मेरी इंटरेस्ट अलग है. मैं इसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अलग है, आपको पता है. ऐसी बरसात होती ना अनुष्का, तो मेंढक होता ना उसके पैर में रस्सी बांध के ना वाटर स्केटिंग करती. हेलो, वो मेंढक ने मेरे बांध के वाटर स्केटिंग करती, मेरे शोल्डर छिल गए, सारा तुम क्रेडिट मेंढक को दे रहे हो यार. अनुष्का, मुझे लगता है कि आपकी फिल्म की तरह कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी. किसकी? कप्पू की और मेरी. अच्छा, मैं कप्पू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. वो भी करते ये भी? नहीं नहीं, मैं कहाँ से करूँगा, आपको लगता है? और मुझे लगता है कि मुझे भी भूत बन के किसी पेड़ में रहना पड़ेगा. रहना क्या पड़ता है, भूत बनने की क्या जरूरत है? तुम लोग वैसे ही पेड़ पर रहते हो. तुम पता है अनुष्का, इनकी चार दीवारी छत नहीं है इनकी? नहीं ना, इधर ही सोते हैं, इधर इनका घर है ये. हाँ, इधर ही. इनफैक्ट मेरा भी सेम, मतलब इनफैक्ट इनकी फैमिली में ना अभी डेढ़ हफ्ता पहले कुछ लोग बंदर से इंसान बने हैं. पिताजी तो अभी भी मेरे ख्याल से आपको टाइम है ना. एग्जैजरेशन फालतू का, जस्ट बिकॉज पीपल विल लाफ वी विल से बंदर एंड ऑल. बेटे तुम्हारी शादी का मुहूर्त आ गया, जल्दी से तुम्हारे पेड़ से शादी करते हैं, दूल्हा रेडी है, चलो भाई जल्दी करो. पापा यहाँ कप्पू सामने बैठा है, मैं क्यों पेड़ से शादी करूंगी? बेटे तुम पेड़ और कप्पू को कंपेयर नहीं करना. ना ना ना, ये कप्पू क्या है, पेड़ से तो फल लगते हैं बेटा, ये तो हमारे तो कुछ देगा भी नहीं, ये तो बल्कि हमारा इंटरव्यू ले लेगा. और हमारे पास तो ले देके बेटे इंटरव्यू. अरे लेकिन पेड़ से कौन शादी करता है? तुम करोगी, इसकी फिल्म में भी हुई है शादी, ठीक. अरे वो इसलिए क्योंकि लड़की की कुंडली में कोई दोष था. लड़की कुंडली में दोष था तो शादी हुई, ठीक है. तेरे तो बेटे शक्ल में बड़ा दोष है. कैसे पापा यार? उन्होंने पेड़ से शादी की, तेरे जितने दोष है तेरी तो बगीचे से शादी होनी चाहिए. बगीचा. चलो जी, अभी हम लोग पेड़ तो क्या है, यहाँ पे चल के आ नहीं सकता है, दूल्हे पे घोड़े पे बैठ नहीं सकता, ऑब्वियसली पेड़ कैसे बैठा करना दूल्हे पे. तो हमने ये डिसाइड किया इन द फैमिली मैटर्स के जो लड़की है वो घोड़े पे बैठेगी. लेके आ घोड़ी ब्रात.
अरे दमाद जी हैं, दमाद जी आपको हार किधर से पहनाना है ये बताइए। जूता चुराई की रस्म के लिए तो खोदना पड़ेगा। ये सहरा है? ये सहरा है, ऑफ कोर्स। दमाद जी मुंह दिखाई। आप ये आप सिद्धू जी की चेली हैं जो इतना हंस रही हैं आप हैं? एक मिनट, आपने लगता मुझे पहचाना नहीं, मैं जरा अंकल जी को लेटा दूं एक मिनट। ओ आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। आई एम भूतनी, मैं आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा, तू तो 10-12 की मां लग रही है मेरे को। मैं गोस्ट हूँ, गोस्ट। गोस्ट नहीं जी, नहीं, शो का होस्ट तो ये है द कपिल शर्मा। तुम कहाँ से है भाई? मैं पिशाच हूँ। यहाँ दीवार पे लिखा है, यहाँ पिशाच करना मना है। प्रेत हूँ मैं, प्रेत। प्रेत पता है? प्रेत नहीं तो मोटी है। प्रेत ये ऐसे होते हैं, ब्यूटीफुल एंड फिगर एंड ऑल। ये तू अपनी तरह देख, शर्म कर। कहाँ से तेरे को देख के डर नहीं लगता? तेरे को देख के गुस्सा आ रहा है मेरे को। प्रेत है। एक मिनट रुक जाइए। हाय, आप यहाँ पर मौजूद हैं? हाय शशि, शशि आई हुई है। बस बस ये वाली शशि नहीं है। वैसे आप पेड़ से कब उतरी? अभी कुछ, अरे कुछ पल पहले ही। क्या? हाँ, लेकिन सेम प्रॉब्लम हो गई हम दोनों के साथ। देखिए, आप भी पेड़ पे रहते हैं? हाँ, मैं भी पेड़ पे रहती हूँ। जिस तरह आप वो लड़का आया और ऐसे आपकी शादी हो गई ना उसे, सेम चीज अभी ये आए और मेरी इनके साथ शादी हो गई। हाँ, लेकिन आप लकी हैं, आपकी इंसान से तो हुई, मेरी तो क्या किसी हैवान से हुई है। हमारी शादी कैसी होगी भाई? अभी हुई ना। मैंने तो अभी 2 ही फेरे लिए थे। हाँ, बाकी के 5 मैंने ले लिए। तुमने 5 कब ले लिया भाई? भाई मुझे भूख लगी थी, मैंने ले लिया। अब ज़्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है। तो अब आपकी प्रॉपर्टी में, आपके अस्पताल में जो कुछ भी आपके पास है ना, उसमें हमारा आधा 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 हिस्सा होगा। एक मिनट, पहली बात तो भूत लगती नहीं, मेरे को लग रहा है तो चुड़ैल है। ठीक है, ऑब्वियसली तो चुड़ैल ही है। चुड़ैल के पैर होते हैं उल्टे, तेरे सीधे। पकड़ा है मैंने, आई वॉच CID एवरी डे। मुझे अपनी ID वगैरह दिखाइए, कोई लाइसेंस, इंश्योरेंस, RC वगैरह कोई है तुम्हारे पास भूत की? ऐसे कैसे मान लेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, आई गो बाय फैक्ट्स। अरे कहाँ पर ID कहाँ होती है भूत की? मैं सचमुच 100% भूत हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई मुझे थैंक यू भी कहता है ना, तो मैं मोस्ट वेलकम नहीं कहती, मैं कहती हूँ गोस्ट वेलकम। जोक तैयार नहीं करती है तो बना लेती हूँ मैं क्विकली। ये सुन के भूत भूत हंसी आई। ये तो ठीक है, अब चाहती क्या आप? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेड़ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। वैसे मैं एक्चुअली आपसे पूछना भूल गई, आपका पेड़ कौन सा था? मेरा प्रीपेड है। उस पेड़ भी पेड़ नहीं, दैट इज अ जोक। लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है पेड़ के ऊपर, सच में। वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, क्या है, खाली पत्ते हैं, डाल हैं। उस दिन मैं थोड़ा सा चावल लेके आया, फिर मैंने डाल के साथ डाल चावल खाया। और भी प्रॉब्लम होती है, बात करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं है। उस दिन खाली चमगादड़ आया, अब वो सीधी बात तो करता नहीं है, आते ही उल्टा लटक जाता है, तो उल्टी बातें करता है, उल्टी बातें करता है तो हमारा झगड़ा हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई है ही नहीं पेड़ पे, बोर हो। चमगादड़ भी सोचता होगा भी पहाड़ के ऊपर पेड़ उगते थे, पेड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ गए। पर मैं सच बताऊं, पेड़ पे तो मैं इतनी बोर हो रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ पेड़ पे एक बैंक खोल लेती हूँ। बैंक? हाँ, एटलीस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। लेकिन सच में ना, आपका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बिजी रखता होगा, है ना? हाँ, मैं बहुत ऐसे रहती हूँ। लेकिन क्या है ना, डेड लोगों का और भी प्रॉब्लम है, मैं कोई मैच भी नहीं देख सकती। अच्छा। क्योंकि मैच सारे होते हैं लाइव और मैं हूँ डेड। देखो, कोई लाइन भी देता होगा तो डेड लाइन होती होगी ना। एक तो मेरा भी है।
पता है अनुष्का ये ऐसा है, सर हला ला के ताली बजाती ना, एक दिन इसका सर गिर गया तो घूम के उधर मैंने रखा वापस ला के। कपू तो बम्पर लग रही मेरे को। Yes, कपू, that's what. कौन बम्पर? मैं भी CID देखता हूँ, मुझे भी पता है। मुंह इधर लाओ, मुंह इधर लाओ। ले आई बम्पर, पकड़ी गए। आज सिद्धू साहब ये फैसला हो गया कि ये बम्पर है। करेक्ट। और ये अब तक भूत बनकर हम सबको बेवकूफ बना रही थी। मैं और क्या करूं, 6 महीने से इनके लिए काम कर रही हूं, 1 साल से सैलरी नहीं दी। मुझे पहले लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसे स्टेप्स लेने ही होंगे। कैसे स्टेप्स? ऐसे वाले। इधर आ, इधर आ। भूत बनना है तुझे? हाँ, मुझे बनने का शौक तो था। मैं बनाता हूँ तुझे भूत। अंदर चल। अरे लेकिन चल अंदर। यहाँ पे एक बार अनुष्का के लिए जोरदार तालियां। अनुष्का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑल द बेस्ट फॉर फिलौरी। और हमारे शो की एक रवायत है, हम लोग एक गिफ्ट जरूर देते हैं हमारे जितने भी यहाँ पे मेहमान आते हैं। तो क्योंकि अंकल आंटी आप इतना खूब गिफ्ट लेके आए हमारे लिए, तो ये एक खूबसूरत सा मोबाइल है, वहां पे जाके दे सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर द वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच जी। God bless you. Is this still? और ये आपके साथ भी एक सेल्फी लेते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। अनुष्का एक कम ऑन बेब इस सेल्फी। थैंक यू। आप ऐसे ही मेहनत करती रहें और सबको एंटरटेन करती रहें। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो आपका दिल आता है करते रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, खुश रहिए, साफ सफाई रखें, मजा करें, इंजॉय करें। वी हैव ओनली वन लाइफ। और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.